ओम सूर्याय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 14 तारीख को पड़ने वाला है बड़ा सूर्य ग्रहण। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सूर्य ग्रहण की जानकारी दूंगा। साथ ही इस दिन बड़ी पितृ अमावस्या है, तो पितरों को विदा भी करना है। कौन से उपाय करें जिससे पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करें? कौन से उपाय करें जिससे घर में भरपूर धन आए, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो? दीपदान कैसे करना है? ग्रहण भारत में है या नहीं है? कौन कौन सी राशियां बेहद ही भाग्यशाली? ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अक्टूबर में लगने वाला साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। पहला ही ग्रहण पड़ चुका है। इस साल में दो ही सूर्य ग्रहण थे और दो चंद्र ग्रहण, यानी चार ग्रहण मिला करके थे। सूर्य ग्रहण आखिरी रहेगा, ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और बड़ा सूर्य ग्रहण है। 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को साल का दूसरा व आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को शुभ घटना नहीं माना जाता। ग्रहण काल में किसी भी शुभ व मंगलिक कार्य की मनाई होती है। इस अवधि में मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार रात 8:34 पर प्रारंभ होगा और देर रात 2:25 पर समाप्त होगा। ज्योतिषचारों की गणना के अनुसार सूर्य ग्रहण कुछ राशियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, तो कुछ राशियों के लिए पॉजिटिव परिणाम भी देगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण किन किन राशियों के लिए लाभकारी रहने वाला है वह मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों सबसे पहली है मेष राशि। मेष राशि के लिए यह ग्रहण बेहद ही शुभ रहने वाला है। मेष राशि वालों का मान सम्मान बढ़ेगा, धन प्राप्ति होगी, प्रत्येक मनोकामना आपकी पूरी होगी। दूसरी है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए साल का दूसरा सूर्य ग्रहण शुभ रहने वाला है। ग्रहण काल में आपको सुगत परिणाम मिल सकते हैं। कैरियर में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। मानसिक शांति मिलेगी। धन लाभ के योग हैं। कार्यस्थल पर आपके काम की तारीफ होगी। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। तीसरी है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण लाभकारी सिद्ध होगा। इस दौरान व्यवसाय करने वाले जातकों को मुनाफा होगा। परिवार में अच्छा समय बीतेगा। शत्रु हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन आपके सामने वह हारेंगे। तुला राशि। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण तुला राशि वालों को अच्छे परिणाम दे सकता है। इस दौरान समाज में आपका कद बढ़ेगा। कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। अटके हुए कार्य बनेंगे। व्यापारिक लिए यह समय बेहद ही शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण शुभ रहने वाला है। ग्रहण के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। मान सम्मान बढ़ेगा। भूमि जायदाद का आपका योग यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छा योग आप एक प्रकार से कह सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए ग्रहण मिला जुला रहने वाला है। इस अवधि में जहाँ एक ओर आपके खर्चों में वृद्धि होगी, वही दूसरी ओर धन लाभ भी हो सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा। इस अवधि में भूमि भवन व वाहन की भी खरीदारी कर सकते हैं। आने वाला समय आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। ग्रहण काल में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जब भी ग्रहण पड़ता है तो गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को अग्नि नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है तो आपने देखा हो बहुत से बच्चों के शरीर पर निशान होते हैं, जले का निशान होता है या वैसे निशान होते हैं। तो ग्रहण काल में अगर अग्नि जलाते हैं, अग्नि जलाने का मतलब ये है जब खाना वगैरह पकाते हैं, दीपक वगैरह जलाते हैं, ऐसा कार्य आपको नहीं करना है, नहीं तो इसके कई परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, सोना नहीं चाहिए। ग्रहण काल में सोना वर्जित माना जाता है। खाना ना खाएँ, आप जूस वगैरह ले सकते हैं। नाखून बाल आदि ना काटें। फल सब्जी आदि ना काटें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा और हर प्रकार से आपकी सुरक्षा भी रहेगी। आने वाले समय में आप परेशानियों से बच सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान बढ़ता है, व्यापार अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, धन आना शुरू हो जाता है, तभी अचानक परेशानियां आना भी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों ये कारण होता है पितृदोष का।
महीने में अमावस्या आती है और साल में आते हैं 16 दिन पितृपक्ष की। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का बड़ा महत्व होता है। 16 दिन होते हैं, हम प्रतिदिन पितरों के नाम से तर्पण करते हैं, ग्रास निकालते हैं, गोग्रास निकालते हैं, कौए का निकालते हैं, कुत्ते का निकालते हैं। इन चीज़ों का बड़ा महत्व होता है हमारी ज़िंदगी में, इन चीज़ों का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति नियमित रूप से पितरों की पूजा करते हैं उनके ऊपर पितर हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, सदा ही उनकी पितरों की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि महीने की जब भी अमावस्या आवे तो आपको पितरों का पूजन जरूर करना है। साथ ही पितृपक्ष जब आते हैं तो प्रतिदिन पितरों की पूजा की जाती है, और अगर बीच में कोई श्राद्ध छूट जाता है तो अमावस्या को आप पूजन करते हैं तो उस समय आपको फल उसका मिलेगा, पूरा पूरा फल आपको प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा योग आप एक प्रकार से कह सकते हैं, आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, धन का लाभ है, व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, कई प्रकार के कार्य आपको देखने को मिलेंगे, कई प्रकार के कार्य आपके संपन्न होंगे। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ क्या करना। देखो, सबसे पहले तो आपको पितरों की पूजा करनी है, फिर दान पुण्य करना है, पितरों के सामने एक दीपक जला देना है और 5 सफ़ेद पुष्प पितरों के सामने आप रखेंगे, फिर पितरों के सामने थोड़े से चावल रखेंगे। अब हाथ जोड़ के पितरों के सामने आपको निवेदन करना है कि हे पितृ देवता, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें। थोड़े से कटोरी में चावल आपको रखने हैं और उसमें 1 रुपये का सिक्का आपको डाल देना है। ओम पितृ देवता भी नमः इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद में उस चावल दान कर देने हैं, उसमें से थोड़े से चावल आप बचा लें और 1 रुपये का सिक्का कपड़े में बांध करके आप तिजोरी में रखिए, पितरों का आशीर्वाद होता है। घर के मेन दरवाजे से थोड़े दूर तक पितरों को विदा करके आएँ और फिर प्रदोष काल में पीपल वृक्ष के नीचे आपको चौमुखी दीपक जला के 108 परिक्रमा देनी है, 108 परिक्रमा देनी है आपको पितरों के नाम से। गौ माता को आप मीठा खिला के आएँ, गौ माता को पितरों के नाम से वस्त्र भी उड़ा सकते हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर गौ माता को वस्त्र उड़ाते हैं तो गौ माता की कृपा बनी रहती है और पितर भी प्रसन्न होते हैं। साथ ही दान पुण्य करें, बुजुर्गों को आप भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और नदी पर, तालाब पर पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी माता के सामने, गौशाला में, घर के मेन दरवाजे पर पितरों की फोटो के सामने जैसा भी संभव हो आपको दीपदान करना है। जितना ज़्यादा दीपदान करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। स्वयं भगवान का आशीर्वाद है कि अमावस्या के दिन जो व्यक्ति पितरों की पूजा करते हैं और पितृ प्रसन्न होकर के अगर गए तो आपको लाभ मिलेगा। वही जो सूर्य ग्रहण भारत के अंदर इसका प्रभाव रहने वाला नहीं है, जो ग्रहण पड़ने वाला है 14 अक्टूबर को, वह भारत के अंदर दिखाई नहीं देगा, उसका प्रभाव भारत के अंदर नहीं है। तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं करनी है, ग्रहण पड़ेगा, बड़ा ग्रहण है, राशियों पर भी प्रभाव रहेगा। यह ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में पड़ने वाला है, कन्या राशि वालों को विशेष सावधानी रखनी है। तो ये ग्रहण पड़ेगा, कन्या राशि, मीन राशि, वृषभ राशि, इन राशि वालों को विशेष सावधानी भी रखनी है। ग्रहण का प्रभाव 9 राशियों के लिए अच्छा है लेकिन कई राशियों के लिए शुभ नहीं माना गया है, और ग्रहण काल में विशेष सावधानी जो बताई है वो आपको रखनी है। ग्रहण भारत में नहीं रहेगा, जहाँ पर ग्रहण नहीं पड़ता वहाँ पर सूतक आदि का विचार नहीं होता है, तो भारत के अंदर सूतक आदि का भी इसका विचार नहीं रहने वाला है, लेकिन ग्रहण तो पड़ रहा है, राशियों पर उसका प्रभाव भी पड़ रहा है, तो इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अमावस्या के दिन विधि विधान से पितरों की पूजा करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी माता की पूजा करें, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ओम पितृ देवताभ्यो नमः। साथ ही कमेंट में आप अपनी समस्या बताएं, अगर कोई समस्या है तो उसके ऊपर भी वीडियो आपको प्राप्त होगी। ओम।